योग प्राचीन काल की भारतीय विद्या है। योग संतुलित व्यक्तित्व प्राप्त करने और बुढ़ापे को रोकने का प्रभावी उपाय माना जाता है। योग से श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। योग क्रिया के दौरान श्वासों को छोड़ने और श्वासों को खींचने की विस्तृत वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे शरीर में प्राणवायु का संचार बेहतर ढंग से होता है। योग को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। योग अब चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका के साथ साथ भारत से बौद्ध धर्म में फैल गया है और इस समय पूरे सभ्य दुनिया में लोग इससे परिचित हैं। शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। योग का दिमाग, भावनाओं, मनोदशा एवं चित्त वृत्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह आपके चरित्र तक को सुधार सकता है। योग तनाव को कम करने में मदद करता है। यह आपकी त्वचा में आभा लाता है। योग के द्वारा आप तत्काल यौवन, ताजगी व बेहतर मूड का एहसास कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही योग विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको बूढ़ा नहीं होने देगा। आज हम आपको पूर्ण शलभासन भुजंगासन के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए चमत्कारिक रूप से फायदेमंद है। पूर्ण शलभासन भुजंगासन करने के लिए कंबल, योगा मैट या दरी बिछा लें। उसके बाद उस पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा रखें। पैरों के तलवे ऊपर की ओर तथा पैरों के अंगूठे आपस में मिलाकर रखें। दोनों हाथ की हथेली आसमान की ओर रहेगी। अब दोनों हाथ पर पूरा दबाव बनाते हुए श्वास लेते हुए पैर को और चेहरे व छाती को इस तरह से ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। चेहरे, छाती व जांघों पर खिंचाव महसूस होगा। कुछ देर श्वास रोककर इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर आ जाएं। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 से 6 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 से 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है वहां रखें। पूर्ण शलभासन भुजंगासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20% समय विश्राम को दें। विश्राम के लिए बाएं करवट का शिथिलासन सबसे अच्छा आसन होगा, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को तनाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति को शीघ्रता से प्राप्त करेंगी। पूर्ण शलभासन भुजंगासन पेट के बल किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। वजन को कम करने के लिए एक अच्छी योग मुद्रा मानी जाती है। यह हमारे शरीर में चर्बी को खत्म करने में मदद करती है। समय से पूर्व बुढ़ापे को प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है, क्योंकि इससे न केवल शारीरिक सुदृढ़ता प्राप्त होती है बल्कि शरीर पतला तथा स्वस्थ भी दिखता है। रीढ़ की हड्डी तथा जोड़ों को लचीला तथा कोमल बनाया जा सकता है। इससे शरीर सुदृढ़ और फुर्तीला बनता है। मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, रक्त संचार में सुधार आता है, शरीर में उत्साह तथा प्राण शक्ति का संचार होता है तथा बाहरी सौंदर्य और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। पीठ की मांसपेशियों का बल बढ़ाता है और रीढ़ का कड़ापन दूर करता है। पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, मासिक धर्म का कष्ट के साथ आने के लिए यह योग फायदेमंद है। नियमित अभ्यास मधुमेह के रोगियों के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में भी बेहद लाभप्रद आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। यह मुद्रा पूरे शरीर को सक्रिय करता है। हमारे शरीर में रक्त के संचालन को बढ़ाता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रह सकता है। एकाग्रता बढ़ती है। शरीर और मन का तालमेल बेहतर बनता है। स्टेमिना को बढ़ाने वाला यह योगाभ्यास है। यह प्राण शक्ति को भी सक्रिय बनाए रखता है। अगर इस आसन के अभ्यास के दौरान आँखों को खुला रखा जाए तो आँखों की नर्व्स और नेत्र ज्योति को बढ़ाने में मदद मिलती है। थायराइड ग्रंथि जो गले में है उसकी कार्य क्षमता को नियमित करने में भी सहायक है। पाचन क्षमता प्रजनन तंत्र को भी मजबूत बनाता है।
पुराने से पुराना कब्ज दूर होता है। खिसकी हुई नाभि को ठीक करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ आसनों में से एक है। यह दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अद्भुत आसन माना जाता है। इससे कमर को भी ताकत मिलती है। फेफड़ों के फैलने से फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है तथा इनसे संबंधित विकार भी दूर होते हैं। पूर्ण शलभासन भुजंगासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें भुजंग का अभिप्राय नाग सर्प से है तथा आसन का अर्थ शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। इस मुद्रा में शरीर सांप की आकृति बनाता है। शलभ एक संस्कृत भाषा का शब्द है। शलभ का अर्थ टिड्डे या कीट अर्थात शलभासन का अर्थ टिड्डे के समान मुद्रा होना है। इस आसन को अंग्रेजी में ग्रास होपर पोज या लोकस्ट पोज भी कहते हैं। चूंकि इस आसन में शलभासन और साथ ही भुजंगासन को भी लगाया जाता है और इसमें दोनों आसनों की पूर्ण मुद्रा होती है, इसलिए इसे पूर्ण शलभासन भुजंगासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लोकस्ट कोबरा पोज या ग्रास होपर कोबरा पोज कहते हैं। पूर्ण शलभासन भुजंगासन के अभ्यास से विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। इसका अभ्यास आपकी मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है, चक्रों के केंद्र को संतुलित करने में सहायता करता है। यह प्राण ऊर्जा का प्रवाह चक्रों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में करता है। यह आसन हमारे चक्रों को खोलने में अहम भूमिका निभाता है। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन का अभ्यास न करें। जिनके पिछले एक वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से दूर रहें। जिनके पेट में अल्सर हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। हार्निया के रोगी को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अंडकोश वृद्धि या कोलाइटिस वाले रोगी इस आसन के अभ्यास से दूर रहें। जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या अधिक हो या चक्कर आते हों उन्हें भी यह आसन नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर इस आसन से दूर रहें। अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए। पूर्ण शलभासन भुजंगासन के अभ्यास का सबसे सही समय सुबह का ही होता है। आसन करते समय हमें मुंह से श्वास नहीं लेनी चाहिए, केवल नाक से श्वास लेकर इसका अभ्यास करना चाहिए। तो यह था पूर्ण शलभासन भुजंगासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।